लैला लैला कम कम जहाँ पे सुसु कर दिया और अब वो पर्दे के छुप गया है, उसको पता है कि डांट पड़ने वाली है, डांट पड़ेगी। वो पता है कि मैंने सुसु कर लिया, मेरे को मार पड़ेगी या मेरे को डांटेंगे बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, आज की राइड आफ्टरनून से स्टार्ट हो रही है। अभी 3:30 से ऊपर ऊपर टाइम हो चुका है और मुझे आज दो काम निपटाने हैं। हर बार मैं यही बोलता हूँ कि दो काम निपटाना है, मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है। तो उनमें से दो कामों में से पहला काम बता देता हूँ। जेरी 40 दिन का हो चुका है और जो डॉग्स होते हैं ना, पेट डॉग्स हो गए, स्ट्रे डॉग्स हो गए, अगर आपने अडॉप्ट किया है तो जब 40 दिन का होता है तो उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन लगती है रेबीज़ की। तो पहले मैं जाऊँगा, इधर एनिमल हॉस्पिटल है वहाँ जाऊँगा, उधर पता करूँगा कि उनके पास वो वैक्सीनेशन है अवेलेबल कि नहीं। अगर उनके पास नहीं होगी तो मैं अपनी कॉस्ट पे उसको मंगवा के आज रख लूँगा अपने पास, और कल जेरी को वैक्सीनेशन लगवानी है। दूसरा काम घर वालों ने भेजा है, मेरा सामने एनिमल हॉस्पिटल, पता कर लेते हैं यहाँ पे। दिख नहीं रहा आज, काम नंबर एक नहीं पड़ चुका है, वैक्सीनेशन उसकी मिली नहीं हमें, उन्होंने कहा कि खुद से लानी पड़ेगी, तो भी खुद से लानी पड़ेगी वैक्सीनेशन। अभी मैं मंगवा लेता हूँ वैक्सीनेशन और सुबह इसको ले आएंगे वैक्सीन के लिए जेरी को। ओए होए होए, ये जो हमने अपने रेगुलर कंटेंट से मोटो ब्लॉग के कंटेंट में शिफ्ट किया है, तो क्या आप लोगों को ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं, अगर पसंद आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका ओपिनियन ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कंटेंट बना के भी कोई फ़ायदा है नहीं जो लोग देखें ना, जिसे देखना लोग पसंद ना करें। ले अटके होते हैं सड़क में, एक सोच रहा था ये निकलेगा, दूसरा सोच रहा था ये निकलेगा, जबकि इतना फेस ऑलरेडी बचा है। ऐसे जैसे ही मौसम रहा करे, मतलब इतनी सी गर्मी आया करे तो कितना मज़ा आ जाएगा ना, ज़्यादा गर्मी नहीं है। मैं स्वेट शर्ट पहन के आया हूँ आज, क्योंकि कल काफ़ी सर्दी लग गई थी मुझे, मतलब ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा। ऐसा ना कि मौसम ही ख़राब हो जाए, 2 दिन पहले भी सरप्राइज मौसम ख़राब हुआ था इसके चक्कर में। चीज़ है कि बाइक का चाहिए थोड़ा, बाइक चलानी आ जाए तो मज़ा आ जाए, फिर आई कैन ईजली राइड अप टू ऑल व्हीकल्स ऑलमोस्ट जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होता है, वो सारे बाइक स्कूटी और ये क्या बोलते हैं गाड़ी तो बचपन से आती है, क्योंकि गाड़ी घर पे थी, नहीं बाइक भी अच्छी खासी चला लेता हूँ, बट ट्रैफिक में थोड़ा क्लच का जो इशू होता है ना, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा आता है। कुछ कहीं पर पानी का आप है ये रहा, दो काम में से एक काम हो चुका है, वैक्सीनेशन का भी पता हो गया है, तो अभी दोनों काम निपट गए हैं फाइनली। जब तक स्कूटी चल रही तब तक मुझे ठीक लग रहा था, बढ़िया मौसम था, जैसे सब कुछ सही था। थोड़ी देर में एक जगह रुका क्या, पूरा अंदर पसीना पसीना हो गया भाई साहब, क्या ही कहूँ, भूख भी लग रही है फिर से, शेड्यूल पूरा बिगड़ चुका है। एक्चुअली सुबह में देर से उठता हूँ, फिर खाना खाते खाते बज जाते मुझे 10, 10:30, 11, उसके बाद लंच में वैसे ही भूख नहीं लगती क्योंकि लेट सुबह खाया होता है, तो फिर लंच वाली जो भूख है वो मुझे लगती है 4-5 बजे। और इतिहास गवाह है कि जब जब मैंने ऐसे 4-5 बजे खाना शुरू किया है तब तब मैं बीमार पड़ा हूँ, ऐसी आदतें बंद ही करनी चाहिए। मैंने इस पर गाँव का ट्रिप मारा था तब मुझे इसमें पावर की काफ़ी कमी महसूस हुई थी, जब से ये एक खड़ी चढ़ाई पे आई मेरे साथ राजीव पीछे बैठा था तो काफ़ी हद तक पावर की कमी महसूस हुई। इसने सिर्फ थोड़े से थ्रॉटल में एकदम से पावर उठा लिया। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड कि अगर आपको लंबे टूर मारने हैं या कुछ करना है, 111 अगर आपको लंबे टूर मारने हैं या आपको ऐसे एडवेंचर वाला शौक पूरा करना है तो स्कूटी मत बाय कीजिए। स्कूटी सिर्फ आपके लिए सही है अगर आपको लोकल में चलना है या मज़ा करना है, थोड़ा बहुत सामान समाना, अदरवाइज बाइक सही है। बाइक में ऐसा होता है कि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने हिसाब से पावर ट्रांसमिट कर सकते हो। अब मान लो मुझे ओवरटेक लेना तो मैं सटाक से दूसरा गियर डाल के ओवरटेक कर सकता हूँ, लेकिन स्कूटी में ऐसा नहीं होता, स्कूटी अपने हिसाब से चलेगी, मोशन बनने में टाइम लगेगा जब तक वैसे आगे से कुछ आ जाता है। तो जैसे अब गर्मी आती जा रही है वैसे वैसे ये दिन वाले मोटो व्लॉग आपको शाम वाले मोटो व्लॉग में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि बिलासपुर एक काफ़ी हॉट टेम्परेचर वाला एरिया है, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 42 डिग्री तक का भी टेम्परेचर चला जाता है जून जुलाई के मंथ में, तो क्या ही निकलना बाहर, मतलब गर्मियों में
36-37 तो नॉर्मल टेम्परेचर है, तो क्या ही ब्लॉक करेगा बंदा इतनी गर्मी में बाहर निकल के। ना रियल मनी ली जाती है घर के लिए, नारियल पानी कितने का है? दो देना बढ़िया से पानी वाले, पैक ही करना है ना पूरा, मतो करना ऊपर से निकाल। धन्यवाद। बुलेरो बड़ी सेक्सी लग रही है टायर्स के साथ। एरिया पे काफ़ी ज़्यादा से खड़े होते हैं, खाने पीने वाले, कुलचे, छोले, गन्ने का रस, नारियल पानी, हेलमेट, चश्मा, क्या क्या नहीं मिलता इस मोड़ पे। कभी इस मोड़ पे कुछ नहीं हुआ करता था। एक्चुअली मैं इतना चलता हूँ, इतना ही चलता हूँ 40-50 की स्पीड से, इतने ज़्यादा भगाता नहीं हूँ मैं, लेकिन कभी कभी ना बस ऐसे स्लो में ऐसे स्लो स्लो चलते चलते ना काफ़ी मज़ा आता है, मतलब अलग सी फील। जब कुछ मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा, आई कॉन्ट डिस्क्राइब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक और ट्रक खराब हो गया था, मम्मी के पैसों का लाया जो बिल में से पैसे बचे। ये है हमारी सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम से आज हम नारियल पानी लेके जा रहे हैं। अब सीधा घर पे मिलता हूँ आपको। इसके भाई के लिए लाज हमारे पास आई है। लैला कम कम कम, लैला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम एम एस के सब्सक्राइबर्स हैं, आ जाओ आ जाओ। लैला डर रही है हमसे। लैला कम, कोई बात नहीं जारी, तो बाहर मत घुमा कर, लैला तुझे ले जाएगी बाहर, मत घुमा कर, लैला आई है बाहर तुझे ले जाएगी। लैला तुझसे बड़ी है, तुझसे शैतान भी है, लेकिन शुगर मना कि मजनू नहीं आया। वैक्सीनेशन का पता करके आऊँ मैं, कल तुझे वैक्सीनेशन लग जाएगी, फिर देखता हूँ मैं कितनी देर थिंकेगा। ऐसा तो बड़ी शरारत करता रहता है, कल वैक्सीनेशन लग जाएगी। आ तुझे पानी पिलाऊँ, मुझे लगता है प्यास लग रही है। हालत ख़राब हो गई, हेलमेट में बालों की, और मजाक कर रहा था, वो लैला नहीं है, वो ऐसे ही है, यहाँ पे घूमती रहती है बिल्ली। आज पहली बार कैमरा में आई है और मेरे सामने भी। छेद को थोड़ा और बार बड़ा करता हूँ, वैक्यूम बन रहा है, पूरे जीप चिपक जा रहा है। अब सही आ रहा है। यहाँ पे सुसु कर दिया और अब पर्दे के छुप गया है, उसको पता है कि डांट पड़ने वाली है। क्या बोला मैंने, कहाँ करना है, शक्ल दिखाइयो इसकी, कितनी क्यूट बना रहा है गलती करके, देखे क्या बोला है, करना सुसु, अब डर गया, नहीं बल्ली। इसको पता है कि मैंने सुसु कर लिया, अब मेरे को मार पड़ेगी या मेरे को डांटेंगे बिल्कुल।